The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत, आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और हर्बल चीज रेमेडी के बारे में, मिल्क थिसल के बारे में, राइट? सिलमरीन, क्या है ये मिल्क थिसल? मिल्क थिसल एक प्लांट है जिसको आप सिलिबम मरीनम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक प्रिकली प्लांट है और इसमें क्या है, एक पर्पल कलर का फ्लावर आता है, वाइट कलर के वेन्स आते हैं और इसमें स्टोरीज हैं कई सारे कि भाई ये जो इसके अंदर काफ़ी सारे मेडिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है, काफ़ी चीज़ों में इसको यूज़ होता है, हर्बल रेमेडी बोला जाता है। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या है, इसमें बेसिकली जो एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, किस किस चीज़ में इस्तेमाल होता है, रिसर्च में किस किस चीज़ में इसका बेनिफिट देखा गया है, किस में नहीं देखा गया, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है, क्या इसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेना भी है तो कितना लेना है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना है, आज हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे और लास्ट में आपको प्रोडक्ट रिकमेंडेशन भी हम आपको देंगे। सो कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस वीडियो को और बात शुरू करते हैं। सो मिल्क थिसल जो है, इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसको कहते हैं सिलमरीन। सिलमरीन इसके अंदर किसी में 65-80% तक हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कितना प्योर, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, दैट इज हाउ इट इज। और इसको बोला जाता है कि ये एक बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीवायरल है और एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, ये बोला जाता है। अब ट्रेडिशनली इसको लिवर के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, गॉल ब्लैडर की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कई बार इसको अल्कोहल या कोई और स्नेक बाइट एंड यू नो एनवायरमेंटल पॉइजन्स को भी यू नो प्रिवेंट करने के लिए, कभी कभी ट्रीट करने के लिए नेचुरोपैथी में या आप हर्बल रेमेडी में दिया जा सकता है। बट इसको हम बात करेंगे एक एक चीज पे कि भाई ये लिवर के लिए है या नहीं। सो यस, लिवर के अंदर प्रोटेक्टिव इफेक्ट इसका देखा गया है, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है ये, किसी चीज का ट्रीटमेंट तो नहीं लेकिन ये एडिशनल हेल्प करेगा लिवर की रिकवरी में, अल्कोहलिक लिवर डिजीज के लिए, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर के लिए या नॉर्मल फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और इवन लिवर कैंसर के लिए तो हेल्प करेगा आप अगर इसे लेते हैं तो। ये लिवर के कई सारे टॉक्सिन्स को भी, जैसे एफ्लाटॉक्सिन और दूसरी चीज़ें जो कई सारे, अगर मान लीजिए कोई पॉइजन आप खा लेते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें बेनिफिशियल इफेक्ट इसमें भी देखा गया है। स्टडीज़ में देखा गया है कि जो लोग ये लेते थे, मिल्क थिसल लेते थे, लिवर फंक्शन उनका इम्प्रूव हुआ है। ऑलरेडी जिनको लिवर की बीमारी थी तो लिवर इन्फ्लामेशन हो सकता है कि ये लिवर में इन्फ्लामेशन और डैमेज को कम करे, सो दैट इज़ वन गुड एडवांटेज लिवर के ऊपर। और ज़्यादा इस पर रिसर्च की आवश्यकता है एज यूजुअल कि भी मिल्क थिसल है कितना डैमेज कम करता है या सिर्फ फ्री रेडिकल जो इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हैं, फ्री रेडिकल को कम करने की सिर्फ वो है, क्या एग्जैक्टली है अभी नहीं कह सकते, लेकिन यस ये बेनिफिशियल है लिवर की बीमारी में। सो कुछ स्टडीज में बहुत अच्छे रिजल्ट, कुछ में नॉमिनल रिजल्ट हैं, तो मिक्स रिजल्ट हैं, लेकिन बेनिफिशियल है ये हम बोल सकते हैं लिवर के लिए। ओके सेकेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको लेंगे तो आपको लिवर की बीमारी नहीं होगी, नहीं, प्रिवेंटिव रोल नहीं है इसका लिवर की बीमारी में। इट कैन हेल्प यू कि आपके अगर लिवर में डैमेज हो रहा है तो वो और ज़्यादा नहीं होगा, दैट इज़ वन थिंग, और इस पर रिसर्च होगी। सेकेंड, इसको ब्रेन के लिए भी लिया जाता है, ब्रेन यानी एज रिलेटेड ब्रेन फंक्शंस में जहाँ प्रॉब्लम होता है, अल्जाइमर्स, पार्किंसंस, ऐसी बीमारियों में अगेन इसके एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट एक्शंस न्यूरोप्रोटेक्टिव हो सकते हैं और इसी वजह से इसको दिया जाता है।
कुछ स्टडीज इस पे हुई है जिसमें देखा गया है कि मेंटल डिक्लाइन को ये थोड़ा बहुत मदद करेगा, स्लो करेगा. सो दैट इज देयर ब्रेन के लिए भी एक अच्छा है, जो इनिशियल टेस्ट ट्यूब और एनिमल स्टडीज में बेनिफिशियल पाया गया है. अगेन इस पे स्टडीज होनी चाहिए कि ह्यूमंस में होगा इफेक्ट या नहीं होगा. बोन्स के लिए भी ये अच्छा है. ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन्स जहाँ पे कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है उम्र के साथ, उसको भी ये कह लीजिए कि बेनिफिशियल देखा गया है. ये भी एनिमल स्टडी है, टेस्ट ट्यूब स्टडी है, उसमें प्रोटेक्टिव रोल है बोन लॉस के लिए, और रिसर्च इसमें चाहिए. लेकिन एक चीज़ है कि ये इस केस में भी इसको स्टिमुलेट करते हुए देखा गया है, मिनरलाइजेशन ऑफ द बोन. सो मिल्क थिसल इज देयर. कैंसर ट्रीटमेंट जो है उसमें ये एडजंक्ट ट्रीटमेंट यानी एडिशन हो सकता है. इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज देखी गई है, तो आप जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट इम्प्रूव होगा. ये खुद से ट्रीट नहीं करेगा लेकिन ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करता है, ये देखा गया है एनिमल स्टडीज में. और इट मे ऑल्सो मेक योर कीमोथेरेपी वर्क मोर इफेक्टिवली अगेंस्ट सम कैंसर्स. सो हर एक कैंसर के लिए नहीं है, कुछ पे स्टडी हो रही है, कुछ एंटी कैंसर जनरलाइज्ड आप बोल सकते हैं, इतना ही रिसर्च है इस पे. आगे प्रॉपर्टीज हो सकती है इसमें. आए ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन, ये जरूर ये करता है. इसमें क्या है, ये लैक्टेटिंग मदर्स के लिए ब्रेस्ट हार्मोन, मिल्क प्रोड्यूसिंग हार्मोन के जैसा काम करते हुए देखा गया है, प्रोलैक्टिन के जैसा काम करते हुए देखा गया है. सो ये उस चीज के लिए है. ये देखा गया, वैसे तो डाटा लिमिटेड है लेकिन एक स्टडी में देखा गया कि 450 मिलीग्राम सिलमरीन आप अगर 2 महीने के लिए लिया तो 64% तक ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस हुआ एज कम्पेयर टू अ प्लासिबो. दैट इज अ गुड थिंग. वैसे एक ही स्टडी पे बहुत कुछ नहीं बोल सकते, इस पे और स्टडी होनी चाहिए. ऐसे ही इसके एक्नी के ऊपर भी इफेक्ट है. इन्फ्लामेटरी स्किन कंडीशन है जैसे एक्नी, तो एंटी इन्फ्लामेटरी एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट इसका दिखता है. तो एक स्टडी इसमें हुई थी जिसमें देखा गया था कि 210 मिलीग्राम सिलमरीन 8 वीक्स तक लेने पर 53% एक्नी डिक्रीज हुआ था. सो और स्टडीज की जरूरत है, पोटेंशियल इसमें एक्नी के ट्रीटमेंट का भी है. सेम वे ब्लड शुगर लेवल्स के ट्रीटमेंट का आपके मान लीजिए पोटेंशियल देखा गया है. ये भी आपको मिल जाएगा कि जो लोग इसको लेते हैं रूटीनली उनका HbA1c उनका शुगर लेवल्स बेटर हुआ है. यहाँ पर जो बहुत सारी स्टडीज नहीं है, अगेन इस पे स्टडीज की ज़रूरत है. सो बेनिफिशियल तो है. अब बात आती है सेफ है या नहीं. इट इज़ वैसे तो इट इज़ कंसिडर्ड सेफ, लेकिन इसको बहुत हाई डोज पे बहुत लॉन्ग पीरियड पे सिर्फ 1% लोगों को, अगर आप हाई डोज पे लंबे समय तक लेंगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट में 1% लोगों को ही 1% लोगों को साइड इफेक्ट्स दिखे, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे डायरिया नौजिया ब्लोटिंग पेट खराब ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं. तो इसीलिए कुछ लोगों को इसको अवॉइड करना चाहिए. प्रेग्नेंट वुमेन जिनको प्लांट से मिल्क थिसल जैसे प्लांट से एलर्जी हो, जिनको डायबिटीज़ हो, वो भी सोच समझ के लें कि उनकी शुगर थोड़ी लो हो सकती है. और जिन इसमें क्योंकि थोड़ा सा ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट है, तो अगर आप हार्मोन सेंसिटिव हैं ईस्ट्रोजेनिक इफेक्ट आप नहीं चाहते हैं तो ना लें, ये इम्पॉर्टेंट है. सो ऐसी चीज़ें में जिनको गायनेकोमास्टिया है जिनको वो है वो भी इसको अवॉइड कर सकते हैं. सो दोज आर द थिंग्स. सो बॉटम लाइन एक सेफ सप्लीमेंट है ये मिल्क थिसल. लिवर की बीमारी में, कैंसर में आप ले सकते हैं, एक्ने में ले सकते हैं, डायबिटीज़ में ले सकते हैं, ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन के लिए ले सकते हैं, प्रेगनेंसी में नहीं लैक्टेशन में ले सकते हैं. और ज़्यादा इस पे रिसर्च की आवश्यकता है. और जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको देखना है कि इसका कोई स्पेशल रिकमेंडेड डोज नहीं है, इसीलिए आज हम आपको एक प्रोडक्ट बताएंगे. ये है न्यू हर्ब्स का मिल्क थिसल. न्यू हर्ब्स का है मिल्क थिसल. ये है सिलमरीन, 80% सिलमरीन है इसके अंदर, और यहां पर 800 मिलीग्राम्स है. ये हाई डोज मान के चलिए आप, लेकिन इसमें ये एक गोली में नहीं है. इसके अंदर पर सर्विंग यानी 2 कैप्सूल्स में आपको मिलेगा 800, यानी ये 400 मिलीग्राम्स की आपको वन टैबलेट पड़ेगी. एक टैबलेट में 400 मिलीग्राम सिलमरीन है, तो एक एवरेज मॉडरेट डोज आप मान के चले.
इसको टेक्निकली आप एक गोली दिन में 2 बार ले सकते हैं, और डिपेंडिंग अपॉन आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, अगर कोई लिवर बीमारी है, कैंसर है, ऐसी चीज़, तो एक गोली 2 बार ले सकते हैं। अगर कोई सिंपल फैटी लिवर है तो दिन में 1 बार ले सकते हैं। सो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू। न्यू हर्ब्स मिल्क थिसल, सो इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ये अगेन हाई पोटेंसी वाली है, तो एक गोली से काम हो जाएगा अगर प्रिवेंटिव पर्पस से या फिर ऐसी पर्पस से ले रहे हैं, और ट्रीटमेंट पर्पस से एक गोली सुबह शाम, उससे ज़्यादा नहीं। कितने टाइम तक ले सकते हैं? कुछ हफ्ते, कुछ महीने तक, 1-2 महीने आप सेफली ले सकते हैं, फिर गैप लीजिए, फिर लीजिए, और अपना ब्लड टेस्ट रेगुलरली कराइए ताकि आप देख सकें कि आपके लिवर फंक्शंस में कुछ बेटर हो रहा है या नहीं। अगेन, जो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले रहे हैं वो अपने डॉक्टर से पूछ के लें, लेकिन लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप लिंक जाके ले सकते हैं, और कोई सवाल हो मिथ थिसल पे आप नीचे लिख सकते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर देम। थैंक यू सो मच। और ऐसे वीडियोज़ के लिए शेयर कर दीजिए वीडियो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।